लोक आस्था का महापर्व छठ का शाम को भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया गया। शाम को अर्घ देने के लिए छठ व्रती पूरे परिवार के साथ दोपहर के बाद ही घाटों की ओर रवाना हुए। शाम को शहर के त्रिशूलिया घाट, नहर के बस स्टैंड, चंद्रा घाट आदि जगहों पे लोग पहुँचे। छठ पूजा को लेकर सुंदर पंडाल बनाए गए थे, तो महिलाओं के लिए केबिन की व्यवस्था भी की गई थी। रंग बिरंगी झालर भी लगाई गई थी। छठ पूजा के लिए बनाए गए घाटों पर श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ देकर सूर्य उपासना की। इस दौरान नगर परिषद सहित अन्य संगठनों के द्वारा पानी की व्यवस्था की गई थी। वहीं सूर्योदय के साथ छठ महापर्व का प्रातःकालीन अर्घ दिया गया। छठ पूजा के लिए अररिया में नदी, नहर आदि घाटों पर प्रशासन के साथ साथ स्थानीय पूजा समितियों की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। बिहार के अन्य घाटों पर भी व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालु छठ माता के गीतों को गाते हुए घाटों पर पहुँचे। इस दौरान शहर के ही छठ घाट पर पहुँचे श्रद्धालु तपेश ने बताया कि परिवार की सुख शांति व स्वास्थ्य की कामना को लेकर छठ पूजा कर रहे हैं, साथ ही भगवान भास्कर और छठी माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना का देश से जल्द खात्मा हो। वहीं नगर परिषद रितेश राय ने छठ घाट पर भगवान सूर्य को अर्घ दिया। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी। जिले के कई अधिकारी शिवपुरी नहर घाट पर, नगर पार्षद दीपा आनंद के घाट पर अर्घ देने पहुंचे, जहां अररिया जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार, CH, SP हृदयनाथ, अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश चंद्र दिवाकर, पूर्व के PP KN विश्वास, SDPO पुष्कर कुमार, DSP सुबोध कुमार सहित अन्य ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया। अररिया, सबसे पहली बात तो ये है कि छठ पर्व जो होता है वो हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा आस्था से जुड़ा हुआ पर्व होता है। इसमें माँ अपने बच्चे के लिए व्रत रखती है, और ख़ास तौर पर जो है अररिया का ये नहर, यहाँ पे जो छठ को लेकर के जो रमन चमन रहता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और वर्षों से लोग यहाँ पर करते हैं। ख़ासतौर पर जो छठ का जो प्रचलन है, अब तो ऐसा हो गया कि अब बिहार योजना से बढ़ करके देश और इंटरनेशनल लेवल पर छठ का जो है प्रचलन हो गया। अब छठ पर्व हमारे लोक आस्था से जुड़ा हुआ है, और ये बिहार ही नहीं पूरे संसार में मनाया जाता है, और इसका जो है विशेष महत्व है। और अभी 2-3 साल कोरोना के कारण हम लोग छठ पूजा जो है बहुत जो है धूमधाम से नहीं मना पाए, और इस बार जो है बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, और हम लोग ये कामना करते हैं कि छठ पर्व जो है इसी तरह से मनाया जाए, और संसार में जितने भी कोरोना वगैरह है ये जो है समाप्त हो जाए, और छठी मैया सब पर कृपा बनाए रखे। मुकेश सहगल। हम लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह है छठ को लेकर के, क्योंकि हम लोग 2 साल से कोरोना की वजह से हम लोग नहीं मना पाए थे छठ, और अब 2 साल बाद इस साल हम लोग प्रशासन भी छूट दिए हम लोगों को छठ मनाने के लिए, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा उत्साह है इस साल छठ से। और छठ माता से हम लोग दुआ करते हैं कि ये कोरोना जो है जल्द से जल्द चले जाए, और हम लोग की ज़िंदगी पहले की तरह आसान हो जाए और सुरक्षित हो जाए, बस यही दुआ है। और हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है इस साल छठ मनाकर और घाट पर आकर। पिछले साल की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों, और जो भी अभी कोविड पेंडेमिक जो अभी देश में जो कोविड पेंडेमिक से देश जो गुजर रहा है उससे मुक्ति मिले देश को, यही बहुत ही बड़ा उत्साह है। और मुस्लिम भाई भी इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। छठ घाट पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSTV बिहार, मैं हूं रविराज। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरे बिहार में जो है छठ की अनुपम छटा देखने को मिल रही है, और इस वक्त हम खड़े हैं अररिया के बस स्टैंड नहर के समीप। यहां देख सकते हैं कि जो छठव्रती महिलाएं धीरे धीरे घाट पर पहुंच रही हैं, और थोड़ी देर में जब सूर्य उदय होगा तो लोग जो है भगवान सूर्य का आराधना अर्घ देकर करेंगे। और छठ की जो बता दें कि एक बड़े महत्व है बिहार में, और यहाँ पे और लोगों से भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो छठ को जो किस तरह से मनाया जाता है। आइए जानते हैं छठ को लेकर, आइए जानते हैं, ये बताइए कि छठ को लेकर अररिया में क्या। छठ एक आस्था का पर्व है, हिंदू के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है। यहाँ जितने भी बाहर हमारे भाई बहन से भाई रहते हैं, बहन रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, छठ में सब अपने घर आते हैं, और ये एक
बहुत बड़ा पर्व है हिंदू के लिए। ये पता है कि जो यहाँ पे छठ को लेकर इस बार आप क्या छठ मैया से मांग कर? बस पहला तो कोरोना यहाँ से भाग जाए और सब स्वस्थ रहे, बस यही चाहते। पीछे तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे छठवर्ती महिलाएं घाट पे पहुँच चुकी है और किस तरह से पूजा अर्चना कर रही हैं। यहाँ दीप, यहाँ जो छठ में जो पूजन के लिए जो सामग्री जो चढ़ाया जाता है वो सामग्री जो है यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए पूरा तैयार किया गया है और जो है दिए, मोमबत्ती और कई प्रकार के पूजा सामग्री गए हैं। यहाँ महिलाएं सज धज कर तैयार है और बस लोगों को इंतजार है सूर्य उदय होने का। आइए बात करते हैं छठ को लेकर। ये बताइए कि हम बहुत उत्सव से मनाते हैं और बहुत खुशहाली मिलती है। साल भर का दिन है, सभी परिवार इकट्ठा होते हैं और बहुत उत्साह के साथ हम लोग व्रत मनाते हैं। दो साल के बाद वो साहब मना रहे हैं, क्या मांग रहा है लोग, अपना बाल बच्चा के लिए दुआ मांग रहा है, टोल पड़ोस के लिए भी मांग रहा है कि मेरा परिवार और गांव समाज अच्छा रहे। छठ मैया के लिए दुआ मांग रहे हैं हम लोग। विशेषता ये है कि ये महापर्व माना जाता है, ये बिहार झारखंड यूपी में अक्सर यहाँ पर पर्व मनाए जाते हैं और ये भारत का सर्वश्रेष्ठ। बताइए कि जो छठ को लेकर कितना आप में हर्षोल्लास है? यहाँ देखिए, एक तो मन्नत की एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो यहाँ बच्चा का मुंडन भी किया जाता है ढोल पीपी के साथ, जो अपना एक आस्था है, जो धर्म और अपना बेटा बेटी की शादी ब्याह जो करते हैं उसका भी मन्नत मांगे जाते हैं। उसके लिए सूप, धूप, अगरबत्ती, केला से सजाया जाता है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि छठ की एक अनुपम महत्व है और छठ को लेकर जो है जो जो मांग जो है लोग जो मन्नत जो मांगते हैं वो पूरा होते हैं और छठ को लेकर जो है लोग जो है देश के कोने कोने से जो अपने घरों में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और भी लोग जो किस तरह से छठ को यहाँ सजाया गया है, आइए बात करते हैं। ये बताइए कि छठ को लेकर क्या महत्व है? छठ का बहुत महत्व है, सूर्य भगवान का ये पूजा है और बहुत आस्था के साथ इसको जो है जिधर अररिया जिधर जाइए हर जगह छठ का ही माहौल मरा हुआ है। छठ हम लोग का बिहार का बहुत बड़ा महापर्व है, ये हम लोग हर साल मनाते हैं और नदी या नहर पे कोई जलाशय में हम लोग इसको पूजा अर्चना करते हैं। सूरज भगवान का इसमें पूजा होती है और बहुत अच्छा तरीक़ा से हम लोग इसको मनाते हैं और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग मना रहे हैं और थोड़ा देर के बाद इसका अर्घ संपन्न होगा और हम लोग बहुत उत्साह रहते हैं छठ के लेके। छठ हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है इसलिए हम लोग छठ के लिए बहुत उत्साह रहते हैं। छठी मैया से यही मांगते हैं जो हमारी कार्य हो, सब सफल हो, जो चाहते हैं वो पूरा करें। छठी माँ मंजू देवी, हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साह है, ये महापर्व है हम हिंदुओं का, सभी से यही है कि छठ तो बहुत बड़ा पर्व है। छठी मैया से यही मांगते हैं सबको अपना प्रार्थना स्वीकार हो। काजल देवी, बस समान रूप से सब आदमी उत्साहित है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सारा व्यवस्था प्रशासन का भी अच्छा रहा, भागीदारी उसमें रहा जाएगा। यह तो आस्था का पर्व है, सबका आदमी सम्मिलित होकर के सहयोग से काम करते हैं। छठ में काफ़ी उत्साह है और पब्लिक जो है बहुत धार्मिक मनोकामना से अपने ईश्वर इष्ट देव सूर्य देवता का पूरा आराधना में लगा हुआ है। महिला पुरुष सभी लोग, हम लोग भी बाहर से आए हुए हैं, यहाँ मेरा ससुराल है और देखने में काफ़ी प्रसन्न चीज मन लगता है बहुत ज़्यादा। ये आस्था का एक पर्व है और इस पर्व को जो है हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं और इस पर्व में जो नियम निष्ठा है वह एकदम पूरा एकाग्रता के साथ किया जाता है। ये महान आस्था का पर्व है, चार दिवसीय पर्व है और इसमें सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और बहुत ही श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाया जाता है। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह साहब, ये बताइए छठ को लेकर क्या उत्साह?
बहुत उत्साह है। आज पूरे अररिया जिला तो है ही, अररिया जिला के साथ साथ संपूर्ण देश में आज उत्साह है और लोग काफ़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ और आस्था के साथ यह पर्व करते हैं। इसमें दिनों दिन रातों रात दिन प्रतिदिन यह बढ़ोतरी होते जा रहा है। लोग काफ़ी संख्या में छठ पूजा करते हैं और बड़ी पवित्र भाव से करते हैं और मुझे लगता है कि यह रोज़ वृद्धि होते जा रहा है हर साल, जैसे पिछले बार देखा था और इस बार देखा अंतर लग रहा है। तो हर परिवार में लोग लगभग अब छठ करते हैं। ये पता है कि अररिया वासियों को अभी छठ को लेकर क्या मैसेज देंगे? अररिया वासियों से यही मैसेज देंगे कि अररिया के जनप्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ के सांसद के नाते, संपूर्ण अररिया जिला वासी सहित बिहार और देशवासियों को शुभकामना देता हूँ कि महापर्व छठ के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं हैं और बड़ी ही पवित्र भाव से शांतिपूर्वक पर्व हम लोग मनाए। इसके लिए संपूर्ण अररिया जिला को अपने हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य उपासना का ये महापर्व छठ के शुभ अवसर पर हम सभी छठी मैया और भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए घाट पर उपस्थित हुए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है और मैं भगवान भास्कर और छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं छठ व्रत का सभी व्रतियों को धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, सबसे पहले आज हमारा छठ का जो पर्व है वो समापन हुआ है और अररिया जिला प्रशासन की तरफ से तमाम शहरवासियों को, अररिया जिला के जितने जनमानस हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और उनका आज का जो पर्व था बहुत शांतिपूर्वक निकला, उनमें सभी लोगों का सहयोग रहा है और उनके लिए पूरा प्रशासन जो है तहे दिल से धन्यवाद देता है। धन्यवाद। जिला वासियों को यह मैसेज देते हैं कि यह छठ पर्व जो है लोक आस्था का पर्व है, यह प्रशासनिक सतर्कता और जन सहयोग से मनाया जाता है और इसका हम लोगों ने वही किया, प्रशासनिक सतर्क रहे हम लोग और जनता से सहयोग लेके और जिला प्रशासन के द्वारा जो भी प्रिकॉशंस था उसको हम लोगों ने लिया था। गोताखोर की व्यवस्था थी, जो नाव था उस सारी व्यवस्था के फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया और अररिया वासियों को हम शुभकामना देते हैं कि शांतिपूर्वक छठ मनाए हैं और उन लोगों को कोटि कोटि सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चार दिनों का चलने वाला महापर्व छठ सूर्य अर्घ देने के बाद में आज समाप्त हो गया और छठवर्ती महिलाएं और श्रद्धालु जो है धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं। रविराज, NSTV बिहार, अररिया।